अजमेर के अंदर में जहाँ पे अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम लगा हुआ अजमेर श्री दरगाह के पास है कितना फिश। और आज मैं अजमेर शहर के अंदर अपने शहर के ऊपर मछली देख रहा हूँ। इधर आओ, अगर ये इतनी खतरनाक बड़ी सी मछली है, अगर ये गिर गई ना या खोल के बाहर आ गई तो खा जाएगी भाई। डल को मेरे ऊपर देखा था जैसे ये बड़ी सी मछली दिख रही है। चारों तरफ मछली मछली भाई, नीचे भी मछली, ऊपर भी मछली, नीचे भी मछली, बाहर भी मछली, दाएं भी मछली, पता नहीं कहाँ कहाँ मछली है। और यहाँ पे बताए सबसे यूनिक चीज, यहाँ पे मात्र आपको 100 रुपए में 4 कपड़े मिलते हैं 25 रुपए का, और 25 रुपए में जैकेट भी है शायद। ये देखो 100 रुपए में 4, सही है ना मैडम? इतना सस्ता है यार, ये वुलन टी शर्ट। क्या बात है भाई, 80 रुपए में भाई ले लिया। नहीं नहीं मैं लूंगा। बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे, घर के सामान भी मिल जाएंगे। 10 रुपए से है अपने पास ये सब 10 रुपए में हर माल है। हर माल 10 रुपए यार, हर माल 10 रुपए में। ये भी मात्र 300 रुपए में शादी वाला कोट यार। ओ भाई 200 रुपए में यार। ये देखो यहाँ पे, देखिए छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे पूल वगैरह, झूले वगैरह ये देखिए बने हुए हैं, झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। भूत बंगला भी लगा हुआ है यार यहाँ पर, ये देखिए रहता है। कितने का है? 100 रुपए में लेडीज के कपड़े भाई। ये देखो, मैंने सुना बताए कौन सी मछली है ये? घोस्ट वाली मछली भाई, ब्लैक घोस्ट मछली। मतलब भूत तो मैंने इंसान सुना था, पर आज मछलियों में भूत वाली मछली होती है क्या? मैंने तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये देखो यार ब्लैक घोस्ट यार, इसके दांत तो देखो यार, ऐसा लग रहा मगरमच्छ की तरह ये काट खाएगी। टिकट प्राइस क्या है पहले वो जान लेते हैं हम आपको। कितने का टिकट है भैया? आज ये इतना खूबसूरत फिश टनल लगा, इसके बारे में सुना था इसीलिए आए। अच्छा तो अभी देखेंगे अंदर, देखो कोशिश करेंगे, सुना है कि टिकट भी है। टिकट यहाँ पे देखिए हमारे रिक्शे वाले भाई, इनसे हम पूछेंगे थोड़ा सा। अच्छा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई घूमने आना चाहता है तो कितना रुपए लगेगा? जैसे रेलवे स्टेशन से कोई आना चाहता है या अजमेर दरगाह के पास से, तो सर्दियों के मौसम में आओगे तो कुछ फॉग आपको नजर आएगा सुबह सुबह। और ये तारागढ़ देखिए फॉग उड़ रहा है पूरा वहाँ पर। और ये देखिए ये बाहर के पक्षी जो आते हैं, वो हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पे पक्षी आ चुके हैं देखिए। और वो सीप आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं हमारे अजमेर शहर के अंदर लगी एक प्रदर्शनी, जहाँ पर आपको बहुत बड़ा अंडर वाटर फिश टनल, जहाँ पे 5000 से भी ज्यादा मछली आई हुई है तरह तरह की। तो आपको ऊपर भी मछली देखने को मिलेगी, नीचे भी देखने को मिलेगी, इधर भी सारी विदेशी मछली देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग आए हुए हैं, ये अजमेर का आना सागर एरिया है और इसे कहा जाता है चौपाटी, जहाँ पे तो मछलियाँ तो है पर वो अंदर है पर देखने को नहीं मिल रही है। तो वहाँ पर मैं आपको मछली रियल में दिखाऊंगा। और आज हो चुका है काफी खूबसूरत मौसम और हमारे अजमेर में हो रही है बारिश, और पहाड़ों में गिर रही है बर्फ और हमारे अजमेर में हो रही है बारिश। तो भाई काफी शानदार लग रहा है ये पूरा व्यू, आपको बहुत शानदार लगेगा बारिश के मौसम में जब आप आओगे। और खास करके जब ठंडी में आते हो ना तो यहाँ पर बादल, यहाँ पे बादल, चारों तरफ आपको फोगी फोग नजर आएगा, जिससे और खूबसूरत व्यू आने वाला है और आता भी है। तो सर्दी और बारिश हमारे अजमेर की बहुत फेमस है, गर्मी भी है कभी कभार, गर्मी भी आ जाना, बाकी सर्दी और बारिश में तो मजा ही आ जाता है। जैसे कि हमारे छोटू को मजा आ रहा है, ये भाई को कैसा लग रहा है? मजा आ गया। आज का मौसम बेईमान हो गया है, कह रहा बेईमान हो गया मौसम, दुकान बंद हो गई हमारी। अरे क्या बात है, देखो जी बोलिए क्या कह रहे हो आप? हाँ बोलिए। यहाँ भी बादल, वहाँ भी बादल, मौसम हो गया पागल। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी हमारी इंडियन मछली, पर ये दिखती नहीं है पर वो विदेशी जरूर दिखेगी, नीचे भी दिखेगी, ऊपर भी दिखेगी, बाएं और बाएं चारों तरफ मछली मछली दिखेगी वहाँ पर, वो आपको दिखाएंगे। और ये देखिए तारागढ़ का एक वीडियो मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा मेरा वायरल है, धार्मिक चैनल पर डाला हुआ है मिस्टर खान ब्लॉगर में। और ये मेरा लाइफ स्टाइल है, इसको भी फॉलो कर लेना। और ये जो शिप है, ये शिप जब चालू हो जाएगी ना, जूम करके दिखा दो, वो शिप है, वो शिप जब चालू हो जाएगी तो आपको शिप भी दिखाएंगे। और ये हमारा अजमेर का कुछ बारिश का मौसम कुछ ऐसा हो जाता है बहुत शानदार। तो चलते हैं बिना वक्त गवाए, माहौल दिखाते हैं कैसा माहौल है और पूरा व्लॉग बनाते हैं। ओके तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो हमारे अजमेर में आज बारिश का मौसम हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं चौपाटी एरिया पे, काफी खूबसूरत व्यू है। और ये हमारे भाई लोग कहाँ से? अपन भीलवाड़ा से हो? अरे वाह, तो राजस्थान में बारिश हो रही है और पहाड़ों में बर्फ गिर रही है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत खराब लग रहा है मुझे। खराब लग रहा है, खराब भी लग रहा है, मतलब अच्छा भी लग रहा है और खराब भी लग रहा है। अच्छा किस बात के लिए? अच्छा जो मौसम बढ़िया ना। हाँ खराब है, धंधा बिगड़ गया हमारा। अच्छा धंधा बिगड़ गया, अरे यार मैं सोचा कि बीमार के खराब कैसे लगेगा। अच्छा धंधा ये बिगड़ गया, मतलब कस्टमर नहीं आएंगे आ रहे से बारिश के मौसम में अभी तो यार। और बाकी व्यू अच्छा लग रहा है? अभी आईफोन तो फेंक रहे हैं। अरे नहीं नहीं यार फेंकना मत यार, गलत हो जाएगा। और ये हमारे भाई लोग, अपन कहाँ से? अजमेर से। अजमेर से ही हो तो मजे ले रहे हो फिर मौसम के?
देखो भाई को ठंड लग रही है, ठंड में बारिश का तो मजा ही कुछ और है भाई। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे भाई लोग, क्या हाल चाल है, तुम क्या कहना चाहोगे? अरे यार छुप रहा हूँ, डील करता है भाई, अंबानी से डील करता है यार, खतरनाक। तो भाई अजमेर के चौपाटी में अगर आप आ रहे हो तो खास करके बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में जब आप आओगे ना, सर्दियों के मौसम में आओगे तो कुछ फॉग आपको नजर आएगा सुबह सुबह, जो कि एक वीडियो मैंने तारागढ़ की बना के डाला हुआ है, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फॉग नजर आता है। और वो जाकर के आप देख लेना, मेरे धार्मिक चैनल में है, और ये मेरा कमर्शियल चैनल है लाइफ स्टाइल। तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत प्यारा हमारा सारा देश का तिरंगा लहरा रहा शान से, और ये सर्किट हाउस है, और ये तारागढ़ है, देखिए फॉग उड़ रहा है पूरा वहाँ पर। और ये देखिए ये बाहर के पक्षी जो आते हैं, वो हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पे पक्षी आ चुके हैं देखिए। और वो सिप अभी चालू नहीं हुई है यार, वो जो सिप है ना वहाँ पर, वो सिप जब चालू हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और ये देखिए हमारे पुष्कर घाटी का नज़ारा, और ये पक्षी बाहर के आए हुए हैं, काफ़ी शानदार व्यू लगता है। चलते हैं अब यहाँ पर, एक जो प्रदर्शनी लगी हुई है जहाँ पे फिश एक्वेरियम लगा हुआ है, जहाँ पे फिश बहुत सारी आई हुई हैं, वो आप लोगों को जाके दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को कल यहाँ पर लेकर के आया था, पर यहाँ पे हो गई थी बारिश, तो आज मैं दूसरे दिन यहाँ पर आप लोगों को लेकर के आया हूँ। तो अंदर कैसा क्या माहौल है, और कितनी सारी मछलियाँ और क्या क्या आपको अंदर देखने को मिलेगा इस प्रदर्शनी में, तो चलते हैं जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मेला ट्रेड फेयर में, जहाँ पर आप जैसे तो 5000 से ज़्यादा विदेशी मछलियाँ हैं यहाँ पर, और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। अभी अंदर चलते हैं दिखाएंगे आपको, और अंदर वाटर टनल भी बना हुआ है देखिए, ये ऐसा अजमेर में पहली बार ऐसा बना हुआ है। चलते हैं अंदर कैसा क्या माहौल है आपको पूरा दिखाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से रिक्शे भी करके हमारे भाई लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे रिक्शे वाले भाई, इनसे हम पूछेंगे थोड़ा सा। हाँ भाई कैसे हो, बढ़िया। अच्छा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई घूमने आना चाहता है तो कितना रुपए लगेगा, जैसे रेलवे स्टेशन से कोई आना चाहता है या अजमेर दरगाह के पास से, तो कितना जना है? एक जना, दो जना, तीन जना। एक जने का कितना लगेगा? एक जने का 100 रुपए लगेगा। और चाहे अगर पांच जने आ रहे तो? पांच जने 150 रुपए लगेगा। 150 रुपए है? कहाँ, रेलवे स्टेशन से? नौ नंबर से आ रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ रेलवे स्टेशन या दरगाह के पास से अगर कोई आना चाह रहा है तो कितना रुपए लगेगा? 150 रुपए। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कितना किलोमीटर दूर लगा हुआ ये? 7 किलोमीटर यहाँ रेलवे स्टेशन से पूछ रहा हूँ मैं। दो तीन किलोमीटर दूरी पर है रेलवे स्टेशन से। चलिए आप जानकारी देते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं। यहाँ पे रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप अंदर जाएंगे, अंदर कैसा क्या माहौल है आपको पूरा। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए पूरा पार्किंग का व्लॉग, ये पूरा पार्किंग एरिया बना हुआ ना, पार्किंग लगाते हैं। पार्किंग का चार्ज क्या लगेगा अभी जानकारी करते हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी लगा सकते हैं। भैया कितना लगेगा पार्किंग का अपना? 20 रुपए। कार? 30 रुपए। कार का 30 रुपए और 20 रुपए। कितना घंटे कम से कम? 2-2। दिन के 2 बजे से रात के 10। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाम को ही ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर घूमने आती है। अभी हम यहाँ के बारे में जानकारी करेंगे, यहाँ के जो भैया हैं जिन्होंने ये पूरा प्रदर्शनी लगवाया, इसका टिकट प्राइस क्या रहेगा, वो भी आपको पूरी जानकारी देते हैं, आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए कार का 30 रुपए लगेगा। ये देखिए अजमेर के अंदर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है यार, ये शानदार लगा हुआ है। इसका टिकट प्राइस क्या है पहले वो जान लेते हैं हम आपको, फिर अंदर कैसा क्या माहौल है आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर टिकट प्राइस है मात्र 100 रुपए है, देखना। तो यहाँ पर टिकट आपको मिल जाता है, 5 साल पूरा टिकट लगेगा। कितने का टिकट है भैया? 100 रुपए का एक आदमी का। और 4 आदमी लेते हैं तो 5 आदमी? 500 रुपए। कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा? फिक्स रेट है। ओके भाई 100 रुपए की यहाँ पे टिकट है। अब भैया से हम थोड़ी सी बात करेंगे, यहाँ पे जो भैया यहाँ पर देखिए टिकट चेक करके ही जाने दिया जाता है अंदर। और यहाँ पे फिश एक्वेरियम लगा हुआ है अजमेर के अंदर में, जहाँ पे हमें मिल चुके हैं मुनव्वर भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो बहुत सारे इवेंट कराते रहते हैं, इस बार भी आपने कराया, इसके पहले क्या कराया था और अभी क्या करवाने वाले हैं आगे? हेलो अजमेर, मेरा नाम मनवर खान है, जैसे कि बताया आपको यूट्यूबर मिस्टर खान भाई। हाँ जी शुक्रिया। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे फिश टनल, जो कि इस बार अजमेर में हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए पहली बार राजस्थान में जी, जो कि अपने आप में एक अट्रैक्शन पॉइंट है। इस फिश टनल में लगभग 5000 से ज्यादा विदेशी मछलियाँ हैं जी, जो कि अलग अलग देशों से आई है जी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ताइवान, चाइना, वियतनाम और भी कई सारे देशों से यहाँ पर मछलियाँ आई है जी, जो कि अलग अलग ब्रीड्स हैं। आप यहाँ पर जब आएंगे
तो एक महसूस करेंगे कि एक अलग से हमने आप लोगों के लिए सेटअप रेडी किया है जी। और इस सेटअप के बाद आप अंदर आगे जाएंगे तो एक टनल हमने आपके लिए बनाया है। उस टनल में आप जब अंदर एंट्री करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सर पर लेफ्ट में राइट में पैरों में जी सब जगह मछलियां आपको नजर आएगी। तो एक अलग से फीलिंग है जी। आप फील करेंगे कि आप अजमेर के बाहर हैं कहीं फॉरेन कंट्री में जी। तो ये सेटअप हमने आपके लिए लाने के लिए कोशिश लगाने की कोशिश की है जो कि अजमेर शहरवासियों को बहुत पसंद आ रहा है जी। और इस टाइप के इवेंट हम लोग पब्लिकली करते रहते हैं। अगला इवेंट भी हम बहुत जबरदस्त करने वाले हैं अजमेर शहरवासियों के लिए, लेकिन उसके लिए लगभग आपको 2 महीने का समय और देना पड़ेगा हमें जी। क्योंकि ये सेटअप अभी कम से कम फरवरी पूरा चलने वाला है आप सभी के लिए। ये कब तक चलेगा? ये अभी 11 तारीख लास्ट है जी। कोशिश करेंगे पब्लिक का फ्लो अच्छा रहा तो फरवरी हम लोग पूरा इसको यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे जी। तो आप सभी के लिए अच्छी चीज लेकर आए हैं इस बार दैनिक भास्कर मेगा ट्रेड फेयर में हम लोग, जिसको हम अंडर वाटर फिश टनल कह रहे हैं जी। मेरा निवेदन आप सभी से ये है कि एक बार आइए और इस सेटअप को जरूर देखिए। मेरा दावा है कि आप जब एक बार यहाँ पर आएंगे तो आपको 100% दोबारा आना पड़ेगा। क्या बात तो है, एक बार आप आइए और जरूर इसको देखिए। और अजमेर दरगाह से कोई जारी ना आ रहा है तो उसके लिए क्या मैसेज और कैसे आ सकता, कहाँ पर ये लोकेशन? देखिए मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो हम लोग अखबार में ऐड दे रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में ऐड आ रहा है, लेकिन फिर भी जो भी आना चाहता है यहाँ पर तो रोडवेज बस स्टैंड के पीछे जो कुंदन नगर रोड है वहाँ पर ये ग्राउंड है जिसको हम फूस की कोठी कहते हैं जी। सतगुरु ग्राउंड के नाम से ये फेमस है, सतगुरु ग्राउंड जो फूस की कोठी के नाम से फेमस है। तो जो भी आना चाहे तो रोडवेज बस स्टैंड के पास से जो पीछे कुंदन नगर वाला रास्ता जा रहा है वहाँ पर ये ग्राउंड मौजूद है जहाँ पर हमने ये लगाया दैनिक भास्कर मेगा ट्रेड फेयर अंडर वाटर फिश टनल। ठीक है, इसके पहले भी तो आपने इवेंट काफी करा रखे, पहले क्या करवाया था? कराए हैं हम लोगों ने अजमेर शहरवासियों के लिए, जैसे डिज्नीलैंड हो गया, एग्जीबिशंस हो गई, मैजिक शोज हो गए, सर्कस हो गया, और अभी इस बार हमने मेगा ट्रेड फेयर में ये जो फिश टनल बनाया ये अपने आप में अट्रैक्शन है, नई चीज़ है लोगों के लिए। राजस्थान में पहली बार अजमेर में लगाया और अब आने वाले 1-2 महीने बाद एक इवेंट और हम लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको डिस्क्लोज करेंगे उसके बारे में, उसकी भी ब्रीफिंग आपके लिए देंगे हम आपको जल्दी से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये कि अजमेर वासियों के लिए कुछ ना कुछ आप नया देने की कोशिश करते हैं और देते रहेंगे। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अंदर से आप लोगों को दिखा देते हैं कैसा, क्योंकि यहाँ पे काफी क्राउड आ जाता है, कल बारिश का मौसम था, कल आधा मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए काफी पब्लिक यहाँ पर आने लग गई है धीरे धीरे करके, अभी देखते हैं कई लोगों से बात भी करते हैं, फिर अंदर दिखाएंगे आपको कि कैसा लगा, कितनी बार आ चुके, पहली बार आए कि दूसरी बार आए। यहाँ पे कुछ जारीन भी आए हुए, देखिए ये आए हमारे भाईजान जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से हैं आप? बस ये अजमेर से ही हैं। अजमेर से ही हो, क्या बात है माशाल्लाह। तो आज ये इतना खूबसूरत फिश टनल लगा, इसके बारे में सुना? सुना था, इसीलिए आए। अच्छा, तो अभी देखेंगे अंदर। देखो कोशिश करेंगे, सुना है कि टिकट भी है। टिकट तो है, चलिए मालूम नहीं है। तो पहले कभी ऐसा कुछ देखा था या पहली बार देखना है? ये बात तो है, ये अच्छा है, नया नई चीज है। हाँ, टिकट 100 रुपए। हाँ 100 रुपए, तो मतलब पहली बार कुछ नया देखना की कोशिश होगी। हाँ जी, पहली बार नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे और भी कुछ मैडम लोग आए हुए हैं, आंटी लोगों से बात करेंगे जी। नमस्ते, कहाँ से आप लोग? अच्छा 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 अच्छा, तो कैसा लग रहा है आज पहली बार आप आए यहाँ पर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अंदर घूम के आए या जा रहे हो घूमने? घूम के आ गए। अच्छा, घूम के आ गए। तो दादी पहली बार देखे या पहले भी देख चुके कहीं और? पहली बार देखा है, मतलब अजमेर में कुछ यूनिक। पहले मतलब ये कि फॉरेन कंट्री में? अच्छा, तो पहले तो फॉरेन कंट्री में सब चीज होता था, अब अपने अजमेर राजस्थान में हो रहा है, बड़ी बात हो जाती है। ये दादी पहली बार निकली है? दूसरी बार आए। हाँ दूसरी बार आए हो। अच्छा, दादी को भी घुमाने लेकर आए? पहली बार निकली है घर से। हाँ, तो मजा आया? कौन कौन सी मछली देखी? सब देखी है, ब्लैक एंड व्हाइट, येलो ग्रीन, गोल्डन। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। कहाँ से आए हुए साहब दादी? धौलावाटा से आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा देंगे मैसेज, ये तो 3 बार देख चुकी है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है इसलिए बार बार आ रहे हैं आप? सबको लेके आइए पूरा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए गाड़ी करके आए थे ये लोग, और ये देखिए और कई लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए काफी लोग आते हैं यार, यहाँ पे कार की भी पार्किंग है। भाई कार का क्या लगेगा? 30 रुपीज, मात्र 30 रुपए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चों को भी लेकर के आए हुए हैं। हाय, इनको मछली दिखाने लेके आए हो क्या आप? अरे क्या नाम है तुम्हारा? हाय। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मछली देखने आए? तो पहले भी आ चुके हो आप लोग? ये पहली बार आए? नहीं, फर्स्ट बार आए। फर्स्ट बार आए, तो मतलब ये कि एक्साइटेड पन है कि अजमेर में कुछ नया खुला है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब अंदर जाते हैं, अंदर कैसा क्या माहौल है अंदर जाके दिखाएंगे आप लोगों को। तो अब मेरा दोस्त मेरे को अंदर घुमाएगा थोड़ा बहुत, कौन कौन सी मछली है इसको ज्यादा नॉलेज है ये बताएगा।
तो अभी अंदर चलते हैं, कौन कौन सी मछलियाँ वैसे अंदर? बहुत सारी मछलियाँ हैं, 5,000 से भी ज्यादा मछलियाँ हैं। तो चलते हैं अंदर दिखाते हैं, चलो चलते हैं। कैसा क्या माहौल है आपको दिखाएंगे। यहाँ पे टिकट चेंज, यहाँ पे टिकट चेक होती है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है। कार्निवल इंडिया बिगेस्ट कार्निवल। फिर उसके बाद में जब आप, ये मेरी बहुत फेवरेट है नीमो, अगर मुझे नीमो देखने को मिलेगी तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। ये कौन सी मछली है यहाँ पर, ये कौन सी है? ये एलिगेटर फिश है जो कि यूएसए में पाई जाती है, है ना? हाँ। यार हमारे लग रही है बिल्कुल लंबी सी फिश है। हाँ यार, इसका इसका इसके दांत तो देखो यार, ऐसा लग रहा मगरमच्छ की तरह ये काट खाएगी सारे टनल। मतलब ये बॉक्स में अलग अलग मछली है ना, ये कौन सी यार? कोकर ऑस्कर मछली है। कोकर ऑस्कर क्या होता है? कोकर ऑस्कर है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। मांसाहारी है, सारी मछली ऐसी बड़ी होती है ना, तो उसके बाद जो अपनी छोटी मछलियों को ये खाने लग जाती है, इसलिए इसको फिश पॉट में अलग से रखना पड़ता है। ओ भाई, यहाँ तो ऐसे अलग अलग रख रखी है। गजब प्रजाति हुई, आपस में खा ही नहीं सकती। आपस में नहीं भाई, अगर इनका मन कर गया तो आपस में खा भी सकती, क्या पता। ये कौन सी, ये कौन सी है? नाम भी बहुत खतरनाक लिखे हुए इनके, तो भैया सब बाहर। और यहाँ पर देखिए कितनी छोटी सी प्यारी बारी, बहुत क्यूट से रही हुआ, कितनी क्यूट सी मछली है। हाय हाय भाई, मतलब शानदार यार, ये भी कोई मछली है, आप कमेंट करके मुझे बताना। और ये, और इसके बारे में मैंने सुना है, बताया कौन सी मछली है ये? घोस्ट वाली मछली भाई, ब्लैक घोस्ट मछली यार, भूतों वाली। मतलब भूत तो मैंने इंसान सुना था, पर आज मछलियों में भूत वाली मछली होती है क्या? मैंने तो पहली बार सुन लो। ये देखो यार, ब्लैक घोस्ट यार, और ये उल्टा चलती है। हाँ यार, ब्लैक घोस्ट नाइफ है ये। ये ऐसे लग रही है जैसे मुर्दा ही है, आकार में देख सकते हैं आप, है ना? जैसे इसको ब्लैक घोस्ट नाइफ कहते हैं, चाकू के आकार में ही है। साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ओ भाई, तो ये तो उल्टा हो रही है, उल्टा चल रही है भाई ये। चलो, ये हमारे को एक टैंक मिला, इसके अंदर छोटी सी मछली है जो कि हमें ढंग से दिख भी नहीं रही थी। ये देखो, एक ब्लैक एक वाइट है, काफी सारी मछली। आ जाओ, आगे चलते हैं। और यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे बच्चे मछली के साथ खेल रहे हैं। ये कौन सी मछली है, इसका नाम माल? तो ये देखिए, ये भी शायद अफ्रीका की मछली है ना। अब भाई बहुत गजब है यार, कितनी सारी मछलियाँ देखने को मिलेगी हमारे को, एक से एक की, बहुत खूबसूरत। भैया जी अंदर आ चुके हैं। अरे भाई साहब, 200 रुपए की टिप गई हो, क्या बोल रहे हो? अरे भाई साहब, 200 रुपए का ख्याल है, लग कुछ नहीं रहा है। आगे आपको बहुत कुछ लगेगा। नहीं नहीं, ये भी देखेंगे आगे, और कुछ है आगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, 360 का व्यू देखने को मिलेगा। बढ़िया, ये तो आपकी एंट्री है ना। सही बात, सही बात। तो अब अंदर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर काफी खूबसूरत प्यारी रंग बिरंगी मछली है यार जी। और ये कांच भी इतना रंग बिरंगी है कि उसमें मछलियाँ भी बहुत रंग बिरंगी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। अगर आपको पालना हो तो पाल भी सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बुरा यही लग रहा है कि 200 रुपए चले गए। 200 रुपए का बुरा लग रहा है, बाकी सब ठीक है। क्या 200 रुपए वसूल हो जाए? 200 रुपए वसूल हो गए ना, आप बाहर निकल के बताना, आपको फिर से मिलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर काफी खूबसूरत प्यारी प्यारी मछलियाँ यार, रंग बिरंगी। और यहाँ पर ये वापस वही मछली लग रहा है। हाँ, ये स्मॉल एलिगेटर है। ये स्मॉल है क्या? हाँ, ये स्मॉल एलिगेटर है, ये उसी ब्रीड की है, स्मॉल है ये, छोटी है। और ये कौन सी है भाई? ये भी शानदार लग रही है, ब्लैक पैंथर बोल सकते हैं इसको। ब्लैक पैंथर है क्या? पता नहीं कौन सी है भाई, ये खतरनाक लग रही है, जूम करके दिखा दो एक बार। ओ भाई देखो, बहुत शानदार, बहुत खतरनाक लग रही है। वाओ, ये तो बहुत गजब की लग रही है यार, शानदार। देखो कितनी खूबसूरत। हाय हेलो, बात नहीं करती भाई, आवाज सुनती है क्या? पता सुन सकती है। हाय हेलो, अब ये तो कोने में छुप के बैठी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। वाली है जो झुंड में आती है ना, वाली मछली है। लग तो ऐसी कुछ रहा है, अलग ही है। ये भी वहाँ पे छुप के बैठी हुई है यार अंदर। भाई इतनी सारी मछलियाँ है ना, ये देखो पूरा दिखा दो एक बार, व्यू दिखा दो। इतनी सारी मछलियाँ कि आप थक जाओगे देखते देखते। ये देखो यार, ये वाली मछली तो कुछ अलग ही है ना, रेड स्पॉटेड। और ये तो ऐसा लग रहा है चीता वाली टाइप की। हाँ। चीता भाई, चीते की साउथ अफ्रीका की मछली। हाँ, ये देखो, ये भाई गोल्ड फिश चाइना की है, ये स्पेशली चाइना की फिश है, ये गोल्ड फिश। ओ गोल्ड फिश भाई, चाइना से आई है, पूरी गोल्डन फिश है ये पूरी। देखो चाइना से लेकर के आए इस फिश को यार, गजब है। आ जाओ, तो ये वाली फिश देखने को मिल गई तो मजा आ जाएगा भाई, ये मेरे को बहुत पसंद है। और ये भी देखो कहाँ से आई है, ताइवान से। ओ भाई, ताइवान से ही है।
फेर आउट फिश। हाँ बहुत शानदार लग रही है। और ये भी अफ्रीका की मछली है। हाँ मालवी लेक, मालवी अफ्रीका। हाँ देखो भाई बहुत शानदार दिखने में लग रही है। आ जाओ देखो क्राउड, देखो यार कितने ज्यादा क्राउड है अजमेर का आया हुआ ये मछलियाँ देखने के लिए। अच्छा ये मिल रही यार, क्या कहते हैं ये एक साथ भागती, जो ये मछलियाँ एक साथ भागती एक साथ चल, देखो ये मछलियाँ एक साथ चला करती हैं, एक साथ भागती हैं। देखो ये इनको हमने देखा है यार, सार्क जब इनको पकड़ने आती है ना तो एक साथ भागती है सार्क से बच के ना। ये वही मछलियाँ, ये देखो एक तो नीचे बैठी अकेले और बाकी सब ऊपर छुप के खेल रही हैं। और ये देखो अरे बाप, ये मछली तो बड़ी छोटी सी है यार। एंजल गुप्पी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अमेरिका की मछली है एंजल गुप्पी, बड़ी छोटी गुप्पी है यार, मतलब मछली है, गजब है भाई। और ये कहाँ की है देखते हैं यार, ये थाईलैंड की मछली है, थाईलैंड वियतनाम की मछली है। अरे बाप रे ये मछली तो बहुत गजब की लग रही है, इसका मुंह तो देखना यार कुछ अलग ही है, बिल्कुल पतली सी है। हाँ और मुंह भी बहुत गजब है इसका, चेहरा फेस। और ये काला का, ये ब्लैक मछली लग रही है यार, ब्लैक। ये टाइगर ऑस्कर है जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ओ भाई टाइगर ऑस्कर है भाई, मजा आ गया यार कुल मिला के। और ये तो बड़ा भारी लग रहा मछली, मच्छी के मच्छा है। ये भी बहुत शानदार है यार, बहुत सारा डिटेल में बताएंगे तो थक जाएंगे हम, शॉर्टकट में बता रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देखो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ यार, बहुत शानदार लग रही है। ये देखो ये भी मछलियाँ हैं, येलो। हाँ अरे और बाप ये बहुत खतरनाक लग, कैसी लग रही है ये मछली भाई? ये सबसे मुझे लगता है ये बड़ी मछलियों में से एक है ना, ये बड़ी मछलियों में से एक मछली है भाई, बहुत शानदार खूबसूरत लग रही। देखो यार और डेंजर भी लग रही है। ये कौन सी मछली है, ये बैठने वाली है क्या? और इसका चेहरा कैसा है यार, इसका चेहरा कैसा गजब है यार। ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे बहुत घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखने आए मछियों को। ये देखो ये छोटा बच्चा घूमने आया, हाय मच्छी देख ली बहुत सारी तुमने, कैसा लगा, कैसा लग रहा है? ये देखो कितनी प्यारी खूबसूरत मछली, तुम बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा, हमारे अजमेर में कुछ नया देखने को मिल रहा है ना, सही है यार। ये कहाँ की है? ये है इंडोनेशिया की मछली भाई, ये देखो इंडोनेशियाई मछली यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये भी बहुत ही शानदार है। और ये भी काफी बड़ी मछलियों में से एक है, ये देखो ये रही। मोबाइल ले लिया मेरा। ये देखो ये तो बहुत लंबी मछली है, बहुत बड़ी मछली है, शानदार। ये कहाँ की मछली है, इसमें लिखा देखो लोकेशन, कितनी बड़ी लोकेशन है भाई, है शानदार। आप जाएंगे अंदर? तो फाइनली हम लोग आप लोगों को लेकर के आ गए फिश टनल के अंदर। अब आपको दिखाएंगे कैसा है अजमेर श्री दरगाह के पास से कितना दूर है, तो बता ही दिया है। और कैसा है यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए भाई मतलब इतना शानदार है, इधर आओ, पूरा दुबई का सीन है पूरा, है ना? हाँ ऐसा लग रहा है कि हम दुबई के अंदर, 100 रुपए के अंदर दुबई के मजे अजमेर में। बताओ यार गजब है। ये देखिए ऊपर भी मछली, देखिए ऊपर भी मछली, नीचे भी मछली, आपको चारों तरफ मछली दिखेगी भाई। ये मैंने बताया सऊदी अरब में जद्दा शहर में गया था ना, तब मैंने अपने पास में मछली दिखाई थी। और आज मैं अजमेर शहर के अंदर अपने शहर के ऊपर मछली देख रहा हूँ, इधर आओ। अगर ये इतनी खतरनाक बड़ी सी मछली है, अगर ये गिर गई ना या खोल के बाहर आ गई तो खा जाएगी भाई, डर लगता है। बाकी मगरमच्छ नहीं है, सॉरी वो क्या कहते हैं, कौन सी सार्क मछली, मैंने सऊदी अरब में जद्दा सिटी में सार्क मछली को मेरे ऊपर देखा था, जैसे ये बड़ी सी मछली दिख रही है, और अगर वो कांच बोल के आ जाती तो खा जाती, पर ये खाएगी नहीं शायद, ये पालतू मछली लग रही, पर खतरनाक भी हो सकती है, हाथ तो खा ही सकती है कम से कम। चलिए बहरहाल अच्छा लग रहा है, और अब चलते, अभी तक हमने ऊपर दिखाया था, अब हम नीचे दिखाएंगे। ये देखिए भाई, ये देखिए नीचे चारों तरफ मछली भाई, नीचे भी मछली, ऊपर भी मछली, नीचे भी मछली, बाएं भी मछली, दाएं भी मछली, पता नहीं कहाँ कहाँ मछलियाँ है। आ जाओ ये देखो अंडर वाटर टनल इसीलिए कहा जाता है, ये पूरा मछलियों के बनाया गया। देखे ये वाली मछली जूम कर देखो कितनी खूबसूरत है, पैरों के नीचे भाई शानदार यार। कैसा लग रहा है हमारे भाई लोग अजमेर के, कहाँ से हैं आप लोग? अजमेर से। अजमेर से कैसा लग रहा है, हमारे अजमेर में भी कुछ नया खुला? बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है ना, पहले बाहर की सिटी में अपन देखते थे, अब अपने अपने शहर में देख रहे हैं। बिल्कुल बाहर जाना नहीं पड़ा, इसी यहाँ लग रहा है। बढ़िया है भाई, ये देखो लोकेशन दिखा दो एक बार, फिर आगे दिखा, शानदार भाई आ जाओ आराम से। भाई खुशी के मारे चल नहीं पा रहा। अब देखो ये छोटी छोटी मछलियाँ, हाय टिटी, ये थोड़ा सा खेल भी रही है। ये देखो ये भी मछलियों पे भाई, मतलब मजा आ रहा है यार,
हाँ हेलो हेलो हेलो, शानदार है भाई। अभी ये मैंने पूरा डिटेल बता ही दिया है, यहाँ पे कपड़े की दुकान वगैरह भी लगी है, वो भी दिखाई गई। देखो ये भी काफी खूबसूरत प्यारी काली काली मछलियाँ, देखो यार शानदार। हाय हाय भाई, मतलब ऊपर भी मछली, नीचे भी मछली, ताए भी मछली, बाएं भी मछली, पता नहीं कहाँ कहाँ मछली मछली है भाई, मजा आ गया भाई। और उसके बाद जब मछली आप देख लेते हो ना, मछलियाँ देखने के बाद में लोकेशन दिखा दो, मछलियाँ देखने के बाद में आपको मिलेगी प्रदर्शनी, मछलियाँ दिखाने के बाद में आपको मिलेगी प्रदर्शनी। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कितने रुपए की कौन से कपड़े हैं, पूरा सस्ते है। और यहाँ पे बताए सबसे यूनिक चीज, यहाँ पे मात्र आपको 100 रुपए में 4 कपड़े मिलते हैं यार, बड़ा सस्ते कपड़े मिलते हैं। आ जाओ, 150 रुपए में 3 पजामा और 100 रुपए में 4 कपड़े। ही देखो ये देखो इधर भाई की दुकान, ये देखो 100 रुपए में 4, सही है ना मैडम? इतना सस्ता है यार, 100 रुपए में 4, ये 100 रुपए में 4, 25 रुपए का, मजाक कर रहे हो यार भाई? 25 रुपए में पैजामा यार कौन बेचता भाई, और 25 रुपए में जैकेट भी शायद। ये देखो ये क्या है, ये गर्ल्स का है भाई, देख लो यार 25 रुपए की टी शर्ट है यार भाई, इतना सस्ता सोच नहीं सकता, मतलब बच्चों से लेकर के बड़ों, बड़ों से लेकर छोटे भाई, मात्र 50 रुपए में लेडीज हो चाहे जेंट्स है ना भाई, कोई से भी लो, मात्र 100 रुपए में 4, यानी 25 रुपए में यार, और क्या चाहिए। ये हमारे भाई लोग लेने आए, देखिए कहाँ से आप लोग? नसीराबाद से। यहाँ के बारे में सुना था आपने? क्या बात है, मतलब बढ़िया लग रहा है, चलिए आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर काफी सारे लगे, ये भैया कितने के? 150 रुपए का। 150 रुपए में चड्डा? तो भाई मात्र 150 रुपए में चड्डा यार, और क्या चाहिए, मजा आ रहा भाई। लोअर्स देखो, लोअर्स भी काफी अच्छे अच्छे हैं, और यहाँ पर टी शर्ट वगैरह ऊपर लगी हुई है शानदार, और ये बिल्कुल फ्रेश फील है। ये कितने का है? फ्रेश फील है 300 रुपए, मात्र 300 रुपए में, कोई से भी लो भाई, बहुत शानदार शानदार है। मैं कहूँगा जूम करके दिखा दो कैमरा मैन को, मेरे को सबसे ज्यादा 300 रुपए में तो ये अच्छी लगी। और भैया कुछ कम ज्यादा कराना चाहे तो करा सकते है ना, कम ज्यादा भी हो जाएगा भाई, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखो पूरा मार्केट, आइए। और ये देखो ये भी लोअर है, पता है मात्र 200 रुपए में लोअर है यार, 200 रुपए में, अब बिल्कुल नया बिल्कुल फ्रेश भाई, शानदार यार। और बाहर की कलेक्शन है, देखो मात्र 150 रुपए में बाहरी कलेक्शन है यार, और क्या चाहिए। आ जाओ, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? ये प्रदर्शनी है, यहाँ पे हर एक चीज मिलती है। अच्छा हाँ, और गुड़िया के बाल रंग बिरंगे हो गए, पहले पता हमने गुड़िया के बाल खाए थे वो वाले कलर के, क्या बोलते उस कलर को? पिंक कलर। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ये रंग बिरंगी, क्या बोलते क्या बनते हैं, गुड़िया के बाल है ना भैया? ये देखिए लाइव बना रहे भाई, किस चीज से बनाते हैं? शक्कर से है भैया, शक्कर से बनाते भाई। ये देखिए गुड़िया के बाल यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर ये पूरे आपको मिल जाएंगे, जो लेडीज का सामान चाहिए लेडीज का सामान भी मिल जाएगा आपको, बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे, घर के सामान भी मिल जाएंगे, है ना? कितने रुपए से है अपने पास ये सब? 10 रुपए में हर माल है। हर माल 10 रुपए, बहुत सस्ता नहीं है यार, हर माल 10 रुपए में। ये भी, ये देखिए हर माल आपको मात्र 10 रुपए में मिलेगा, ये देखिए ये रहा, ये पूरा 10 रुपए में है भाई, हर माल 10 रुपए में यार, बहुत सस्ता दे रहे हैं। देखिए आपको जो चाहिए यहाँ पे ले जा सकते हो, मात्र 10 रुपए में, सस्ता ही सस्ता। देखिए पूरा प्रदर्शनी लगा हुआ है यार भाई, बहुत सारा बर्तन वगैरह जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ये देखो 200 रुपए में सेल है यार, ये देखो 200 रुपए में, ये लेडीज का शायद, ये लेडीज जेंट्स सब मिक्स है क्या ये? और ये देखिए यहाँ पर भी पूरी दुकान लगी हुई है यार, बहुत सारी बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है। अब यहाँ पे पूछ, जैकेट ज्यादा लोग पहनते हैं, ये हमारे भाई, ये देखो भाई वो जो जैकेट लगी हुई है जो शानदार खूबसूरत 77 नंबर की, कितने रुपए की? वो है 550 रुपए की। और कम ज्यादा हो जाएगा? कम ज्यादा भी आप करा सकते हो, बात करने के ऊपर है आपके ऊपर। और यहाँ पर और भी चीजें, कितने रुपए में से स्टार्ट है अपने पास? अपने पास भाई देखो ये 150 रुपए का, 150 रुपए, ये सिर्फ 150 रुपए का है। अच्छा ये 200 रुपए, ये 200 रुपए, ये 200 रुपए में फुल लोअर, 250 का। ढाई सौ रुपए में शर्ट यार, आजकल दुकानों में 500-400 रुपए से कम शर्ट मिलती नहीं आपको, 250 रुपए में शर्ट मिल जाएगी, और कम ज्यादा आप करा सकते हो। आ जाओ और दिखाते हैं क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पर, क्या क्या देखने लायक है आपको। ये पूरा कपड़ों का मार्केट है भाई, बहुत बड़ा कपड़ों का मार्केट है, आप आ सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो। ये देखिए 80 रुपए का एक पीस है, 80 रुपए का एक पीस, 150 में दो, 150 रुपए में दो, 80 रुपए का एक पीस, क्या है ये? वुलन, वुलन टी शर्ट, क्या बात है भाई, 80 रुपए में भाई, ये तो खरीद ले, ये तो ले लिया अपन ने, चलो नहीं नहीं मैं लूंगा, टाइगर हो रहा है मैं लूंगा ये वाली तो। और यहाँ पे देखिए सामने भी लेडीज लोगों का है, पर आजकल लेडीज जींस क्या, किसको क्या खबर,
हेलो हाय, पहचान गए? बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? अजमेर से। अजमेर से कैसा लगा? अच्छा, और ये लेडीज लोगों के लिए तो सामान बहुत सारे अवेलेबल यहाँ पे, सस्ते सस्ते है, लेकिन अच्छा है। कहाँ से आप? अजमेर में? गुलाब बाड़ी से आए भाई, ये पूरा प्रदर्शनी देखने आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा अपना? इंदु। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, आ जाओ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी, तो भाई ये क्या है, चाचा जान का है क्या ये? चाचा जान, भतीजे जान, हो ये जेंट्स लेडीज सब है? सुशील, कोई शादी वाला कोट भी है? शादी वाला कोट पूछो, इसकी रेट पूछो। किस अपना ये कितने का है? मात्र 300 रुपए में शादी वाला कोट यार। वाह यार, ये लेके शादी कर लेनी चाहिए भाई। सही है, मात्र 300 रुपए में शादी वाले कोट। अबे भाई गिराएगा गिराएगा, बच गया गिरा नहीं। 300 रुपए में यार भाई, क्या चाहिए और क्या चाहिए भाई? आप इतना सस्ता चीजें बेच रहे हो यार, क्या बात है? ये सब सेल लगा हुआ है पूरा साल, हमारा यही रेट रहता है, हमारा लोकल स्टोर है वैशाली में। अच्छा, वहाँ पर भी इसी रेट में? वैशाली में भी? वैशाली में किस जगह आपका? स्केचर्स का शोरूम है। अच्छा, जस्ट बाद स्केचर्स के शोरूम के जस्ट बाद। बढ़िया है, तो यहाँ के बाद में भी आप वैशाली में भाई के लोकेशन पे आ सकते हो। पूरे साल आपको सिर्फ 300 रुपए में मिल जाएगा। मिल जाएगा यार, बहुत बढ़िया बढ़िया यार, 300 रुपए में तो क्या ही गलत है। और ये भैया, ये वाला, ये 200 रुपए में भाई। 200। ओ भाई 200 रुपए में यार, ये देखो 200 रुपए में, बहुत सस्ता है भाई, शानदार। ये लेडीज का, ये भी कितना? ये भी 150-200। ये देखो लेडीज का भी है, ये देखो सब लेडीज के। क्या बात है, दिल्ली का सरोजनी नगर फेल हो गया भाई, दिल्ली का सरोजनी नगर हमारा अजमेर में आ चुका है। ये 50 रुपए का है, ये देखिए भाई मात्र, ये क्या है, उलन पेन के देखो, ये पेन के देखो, हाय हाय, 50 रुपए में भाई, बहुत शानदार यार। ये देखो ये भी लगे हुए, इनके पास बहुत सारा स्टॉक है, आपको जो चाहिए आप इस प्रदर्शनी में आके ले सकते हो। मुझे भी काफी चीजें पसंद आई, मैं लेता हूँ, आ जाओ। कम्बल ले जाएगा भाई, ठंडी अगर ज्यादा लग रही है ना तो कम्बल भी ले जा सकते हो, है ना? कितने रुपए का? 2500 रुपए में कम्बल आपको बहुत शानदार मिल जाएगा, और कम ज्यादा भी हो जाएगा। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तो प्रदर्शनी में रेगुलर में कहाँ मिलेगा ये? आप कहाँ से हो? आप कहाँ से? कश्मीर से? पहलगाम से हो आप? क्या बात है, हमारा बहुत फेवरेट गांव है वो भाई, कश्मीर से हमारे भाई प्रदर्शनी में आए। ये सारा पहलगाम का ही? पहलगाम से कश्मीरी माल है मतलब सब? ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर से ज्यादा गर्म माल तो आपको कहीं नहीं मिल सकता। और ये देखिए सामने झूले वगैरह लगे, आप झूले वगैरह दिखा देते हैं। और यहाँ पर आप जैसे, तो अगर आप गेम खेलते हो तो मात्र 25 रुपए या 21 रुपए, नहीं नंबर है नंबर है भाई नंबर है, नंबर जीतने के बाद आपको ये मिल जाएगा सारा। नहीं नहीं, ये नंबर है, नंबर है ना, प्लस करके कितने रुपए में ये गेम, मतलब 20 रुपए 10 रुपए कितना स्टार्ट है? 50 रुपए से स्टार्ट है, और अगर हमने जीत लिया तो कुछ भी ले जा सकते हैं। ओके भाई, बहुत बहुत बढ़िया, आ जाओ। यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे पूल वगैरह, झूले वगैरह ये देखिए बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या बात है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरा झूला लगा हुआ है। पूछते हैं इनका झूला कितने रुपए का ये, भैया कितने रुपए का है बच्चों के लिए? 50 रुपए में बच्चों के लिए बना हुआ है, देखिए झूला, यहाँ पर खेल सकते हैं बच्चे भी। ये बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, भूत बंगला भी लगा हुआ है यार यहाँ पर, ये देखिए भूत बंगला मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहता है। कितने का है? 50 रुपीज़, मात्र 50 रुपये। तो भैया भूत बंगला में भी कुछ है अंदर डरावना खतरनाक? देखो जब पता पड़ेगा, डर जाएगा बिल्कुल भैया, बड़े से छोटा बच्चे से बड़ा कोई भी जाओ भैया। क्या बात है भाई, हम भी ट्राई करके देखेंगे एक बार, थोड़ा सा डर के देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी लगे, अभी पब्लिक आना शुरू होगी धीरे धीरे करके। यहाँ पे देखिए, ये देखिए बड़ा वाला झूला लगा, भैया कितने का होगा ये? 50। ये भी 50? यार यहाँ तो सब 50-50 के हैं यार, सस्ते हैं काफी। कितने का झूला अपना? ये झूला तो आप 100 रुपए, 50-100 रुपए, मतलब सीजन बढ़ गया तो 100 रुपए, बाकी 50 रुपए। छोटे बच्चे के लिए कार भी है यहाँ पर, मैं आया एम आर खान उड़ गया मैं तो। ये देखे यहाँ पे और भी सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं, वो देखो ट्रेन चल रही है वहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ट्रेन चल रही है, ये झूले लगे हुए हैं बहुत शानदार शानदार। ये देखिए यहाँ पर भी झूला लगा हुआ है, कितने का ही है? ये 50 रुपए। ये भी 50 रुपए का है, मतलब ये ट्रेन कितनी लंबी जाती है? ये तो जाती है
कितने राउंड घुमाती है? 6 राउंड मात्र 50 रुपए। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। उठ गया, क्या बात है, फुल एंजॉय। यो फुल एंजॉय मेला, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरा झूला लगा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा, ये यहाँ पर ही देखिए भी मिल जाएगा आपको। कितने का ये? 50 रुपए। यार ज्यादातर चीजें यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सब 50 रुपए की, बहुत सस्ती चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पर काफी सारे पानी बतास आइसक्रीम वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये देखिए आइसक्रीम वगैरह, बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगा हुआ है भाई, जहाँ पर भी घूमोगे कम है आप लोगों के लिए। ये देखिए यहाँ पे जूस भी मिल जाएगा। कितने का जूस अपने पास? 50 रुपए। यार मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ सब 50 रुपए में, इतना सस्ता क्यों? फसल पे फ्री में फल मिल रहा है यार हम लोगों को। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जहाँ पे जा रहा हूँ 50 रुपए में, बहुत बढ़िया। ये भी कपड़े का दुकान वगैरह है, ये देखिए यहाँ पर शानदार भाई शानदार। ये देखिए ये भी 200 रुपए का सेल है, देखिए यहाँ पर भी। ये देखो 100 रुपए में सेल है, 100 रुपए में लेडीज के कपड़े भाई। ये देखो 100 रुपए में लेडीज के कपड़े यहाँ पर भी मिल रहे हैं भाई, मात्र 100 रुपए में, देखिए लेडीज के कपड़े। ये 150 रुपए में भी है, देखो टी शर्ट वगैरह आपको मिल जाएगी, देखिए शानदार शानदार। ये भी 150 रुपए में, बहुत शानदार है, बहुत सस्ती सस्ती चीजें भाई। हाँ चलिए, तो ये देखिए भाई ये पूरा ब्लॉग हमने बना लिया। और ये देखिए ये भी अंदर भी है पूरा लगा हुआ, ये बर्तन वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, बर्तन वगैरह। ये देखिए हमारे भाई साहब 120 गए थे, देखो 120 फिर 200 वहाँ गए, फिर नुकसान हो गया भाई साहब का, फिर नुकसान हो गया। 200 रुपए का वहाँ नुकसान हुआ, यहाँ कितने का? 120 बाकी 120 गए, और अभी तो काफी ले ही लिए। अगर 100 रुपए और खर्च हो गए तो 420 में जाएंगे भाई साहब, बाकी मजा आ गया। आप सही से बता रहे दिल से कि मजा आया कि नहीं आया? बाकी तो सब कोई टेंशन नहीं, क्या समझा आदमी, बस पैसा लग रहा है पर मजा करने के बाद थोड़ा घूमने आ सकता है ना, ये तो सही है। बाकी मजा आ गया, सस्ती चीजें मिल गई, वो पैसे कोई करेंगे नहीं है ना। हम लोगों ने वीडियो बना लिया है, वो सबको दिखाएंगे, वो भी आएंगे। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ये देखो हमारे भाई के पास भी बहुत सारे सामान मिल जाएंगे, बोतल भी मिल जाएगी। ये बोतल कितने की भैया? 30-50 रुपए की बोतल भी मिल जाएगी। चलिए ये देखिए यहाँ पे भाई के पास ये सब चीजें मिल जाएगी, घर का सामान है ये सारा, घर का सामान। अरे ये तो वो है साफ सफाई करने वाला, कहाँ साफ करने का। कितने कितने का अपने पास सामान? 20 रुपए से लेके 650 रुपए तक का आइटम, जो चाहे ले सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं हैंड मसाजर, है ना, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। आ जाओ, ये देखिए बीकानेर का। तो यहाँ पे देखिए अचार वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, और काफी सारी चीजें मिल जाएंगी हमारे भाई के पास। क्या क्या है अपने पास? बीकानेर का सुपर से ए टू जेड सामान मिलेगा यहाँ पर, सुपर से कराना कुछ काजू टेस्ट कराना। तो भाई यहाँ का काफी सारी चीजें, पहले ना बिना मसाला वाले आया करते थे, अभी इसमें मसाला वाला भी कन्वर्ट कर दिया। टेस्ट करके दिखाओ, टेस्ट करता हूँ एक बिना मसाला वाला, बिना मसाला वाला काफी टेस्टी लगा मेरे को, इसको काजू बिस्कुट बोलते हैं, मसाला टेस्ट करते हैं, बिना मसाला वाला ज्यादा बेस्ट है। और हमारे भाई के पास काफी सारी चीजें मिल जाएगी आपको, जो कि आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। उनमें से मेरे को सबसे ज्यादा यूनिक पता है क्या लगा, मेरे को ये लगा, क्या बोलते हैं इसको भैया? चोकोस, ये चॉकलेट का बना हुआ है, शायद दूध में मिला के पीता है भाई, बहुत शानदार है, बहुत टेस्टी। कितने रुपए किलो भैया? 300 रुपए किलो है। आप यहाँ पर आए तो ये जरूर खा के जाए और टेस्ट करके जाए और लेके जाए। देखो भाई के पास भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी यार। ये मिक्स फ्रूट भाई कितने रुपए का पड़ेगा अपने पास? 800 रुपए किलो। और अगर कोई सिंगल चीज कुछ लेना चाह रहा अपने पास, कितने में से स्टार्ट है और कितने में खत्म है? 600 से स्टार्ट है, 1200 तक। आप तो कश्मीरी भाई है मेरा भाई, माशाल्लाह कश्मीर जो है ना फल फ्रूट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ मिस्टर खान, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया भाई है, हमारे को पहचान गए माशाल्लाह, इनका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे कश्मीरी भाई हमारे वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ कश्मीर में पूरे वीडियो देखते हैं आप लोग हमारी? अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर में कहाँ से अपन? अरे वाह साउथ कश्मीर से माशाल्लाह। देखिए काफी सारी दुकान वगैरह लगी हुई है, जो भी आपको चाहिए ये सारी चीजें आप लोग ले सकते हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगा हुआ है, जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए तो ये देखिए इतनी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक आती है कि पूरा टनल फुल हो गया यार। देखो इतना ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आ रहे हैं कि पूरा टनल फुल हो गया। आप लोग कहाँ से हैं? लोकल ही हो, मतलब हमारे अजमेर में थोड़ा बाहर वाला लुत आ रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई, बढ़िया है यार। देखो ये पूरा फुल हो गया यार, ये देखियो
ये देखिए चारों तरफ आपको पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। ये वाले टनल के लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा ही डिमांड है भाई। यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा डिमांड है कि पूछो ही मत। ये देखिए यहाँ पर काफी खूबसूरत, यहाँ पर देख सकते हैं ये लगा दुकान लगाइए, और यहाँ पे अपना वजन भी नाप सकते हैं। कितने रुपए का वजन नाप सकते हैं? 10 रुपए में वजन भी नाप सकते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है देखिए। तो देखिए हम लोग मेला ग्राउंड में आए थे, हमारे ताऊजी मिल चुके। दिन भर में कितनी पब्लिक आ जाती है यहाँ पर? यहाँ करीब 1000 लोग आकर लौट जाते हैं। दिन भर में 1000 से ज्यादा पब्लिक आके लौट जाते हैं। अच्छा, तो काफी अच्छा बना हुआ ही है। अच्छा बना हुआ। चलिए बढ़िया। कब से आप ड्यूटी में लगे हुए हैं यहाँ पे? कब से लगा हुआ है? 15 जनवरी से लगा हुआ है। मतलब क्या बात है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने पूरा वीडियो बना के तैयार कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। तो मिलते हैं, सुनो, बाय।